सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फाइनली हम लोग लेके आ चुका हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक और ध्यान से देखना है, ताकि आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन सेंटअप में पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन इसी पेपर से पूछा जाएगा। क्योंकि जिसका एग्जाम हो चुका है वो यहाँ से मिला सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ वो अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि कॉलेज डिफरेंट डेट पर मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग सुविधा के अकॉर्डिंग को एग्जाम ले रहे हैं, तो इसका आप लोग कंप्यूटर अगर PDF लेना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग फ्री अवेलेबल आपको करवा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिलेगा। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं, लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाए और एग्जाम में काफ़ी ईजी से आसानी से लिख सके। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट करा है, ये किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। सो क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। तो यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और कह रहा है कि किसने कहा राजनीति दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहु पहले हुआ, क्योंकि राजनीति दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हो सके आपको फाइनल एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मतलब पॉलिटिकल साइंस को जो है वो ज़्यादातर करेंट से पूछा जाते हैं, और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट में इतना ईजी रहता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आप लोग को मतलब थोड़ा कन्फ्यूज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति और राजनीति वर्तमान इतिहास है। शायद आप लोग ये क्वेश्चन को अभी कभी अपने सिलेबस में पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्या जाएगा, फ्रीमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई क्या कहते हैं फल नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है कैटिले। ये इतिहास का क्वेश्चन था, फिर यहाँ पे पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराया कि राज्य के आवश्यक तत्व है क्या है। तो देखिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे, भू भाग, जनसंख्या, सरकार और संपूर्ण भूता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कराया, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। तो देखो कौन किसने कहा था, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गार्डनर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराया, थोड़ा हम लोग तेजी से कवर करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पसंद आता है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सेंटर एग्जाम और फाइनल एग्जाम के आंसर की साथ ही साथ पूरा फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यहाँ पे 9 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हाउस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कराए, रूसो के अनुसार संपूर्ण भूता का निवास कहाँ होता है, यानी कहाँ है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य इच्छा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कराए कि आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है। देखो ऐसे क्वेश्चन उलट-पुलट पूछ दिए हैं, यानी देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये मतलब इस तरह को क्वेश्चन जो है आपको ये जब साइकोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ दिया, तो फिलहाल आपको तो पढ़ना है, लिखना तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ लड़ाई मार कर सकते हैं। ये आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है। तो देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोंदा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभुता बताया। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। ठीक है, चलिए अश्विन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों का लोग पालन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानून के कारण। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन का है कि राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, राज्य की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है। देखिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 16 का, वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 का, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो देखो यहाँ पे 17 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 18 का है कि क्यूटो प्रोटोकॉल कब हुई थी। चलो ये क्वेश्चन एक ढंग का क्वेश्चन है, तो 18 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा बी, 1997।
आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कराया, यह किसकी उक्ति है, कानून संप्रदाय की आज्ञा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कराया, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। तो देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति। ठीक है, आगे देखिए 21 कराया कि न्याय जस्टिस शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कराया कि परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पे 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लूथर। आगे देखिए 23 कराया कि नागरिक अधिकारों का प्रयोग कौन करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल नागरिक। आगे देखिए 24 कराया कि अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कराया किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है। तो यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो। ठीक है, आगे देखिए 26 कराया कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो देंगे ध्यान से ऑप्शन को, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग लाइव अगर जुड़े हैं तो अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 27 कराया कि संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान देंगे 27 नंबर क्वेश्चन का राइट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और यहाँ पे 28 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो सॉरी किस नहीं यहाँ पे किसे है। तो यहाँ पे 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सच्चिदानंद सिंह। ठीक है, चलिए अस्थाई, अच्छा अस्थाई नहीं है, अवस्थाई है। ठीक है, अवस्थाई जो है सच्चिदानंद सिंह थे और अस्थाई जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे ना, राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कराया कि 26 जनवरी को किस दिवस के मतलब रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 29 का आपका राइट ऑप्शन जाएगा आपका, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस नहीं आया, 26 जनवरी ना, तो गणतंत्र दिवस के आप मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए कराया कि अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से है। चलो क्वेश्चन कराया कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। चलिए देखो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आगे देखिए 32 कराया किसने कार्यात्मक प्रतिनिधि का समर्थन किया। तो देखो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड जेम्स ब्राइस। चलिए 33 कराया कि भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कराया केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसे प्रति उत्तरदायी है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कराया कि निम्नलिखित में से कौन जो अपने विवेक का अनुसार कार्य कर सकता है जहाँ वह आवश्यक समझे। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कराया कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा। चलिए 37 कराया कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई। तो ध्यान देंगे यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 1950 का भारतीय संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का रहा कि किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है। ध्यान देंगे 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 का रहा कि किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पे देखो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा। चलिए 39 हो गया। 40 क्वेश्चन करके भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सरल संविधान संशोधन विधि है। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा तेजी से कवर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीयकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज।
42 करा कि कौन सी व्यवस्था संविधान की सजीव दस्तावेज के रूप में रखी जा सकती है, रखी मतलब रख सकती है, तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकतंत्र। चलिए 43 करा कि भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, तो भारतीय संविधान का जो आधारभूत क्या कहते हैं दर्शन जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगह यानी उदारवाद। चलिए 44 कराया कि हमारे संविधान के अनुसार आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया, तो देखो यहाँ पे 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद। चलिए 45 कि अम्बेडकर ने किस आदर्श के सिद्धांत पर विशेष जोर दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा धर्मनिरपेक्षवाद। चलिए 46 क्वेश्चन का किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन वो कार्यों का विशेष क्या कहते हैं विशेष गिनीकरण, तो देखो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जगह अरस्तु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 का है कौन सी करीब स्वतंत्र समानता वो बंधुता के मूल्यों को जोड़ती है, तो देखो यहाँ पे 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यानी न्याय। चलिए 48 क्वेश्चन का है कि अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है, तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य का कानून। चलिए 49 क्वेश्चन का नागरिक को मत अधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी राज्य। चलिए 50 क्वेश्चन का निम्न राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा देशद्रोही। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहाँ है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो कब हुआ था, तो ध्यान देंगे काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। चलिए कह रहा है कि यूरोपीय संघ का गठन जो कब किया गया था, ध्यान देंगे 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्थिक एकीकरण हेतु। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, चलिए अब लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का सब क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ढाका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 55 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कराया भारत के प्रधानमंत्री कौन मतलब है प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर माननीय होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्वाचित होते हैं। चलिए 57 क्वेश्चन कराया कि 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भूटान। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 58 कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ध्यान देंगे 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बराक ओबामा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कह रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन का 59 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जगह राधाकृष्णन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा एम स्वामीनाथन। चलिए सॉरी एम नहीं है एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कराया कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो इस समय जो भारत में दलीय व्यवस्था मौजूद है वो किस तरह की है, ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कराया कि 1971 में बने महागठबंधन का क्या जो है ध्येय था, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कराया किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, तो वो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आगे 64 क्वेश्चन आगे 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे, सो क्या हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी बोडो। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कराया कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ध्यान देंगे 65 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा आंतरिक गड़बड़ी यानी अंदर में जो गड़बड़ी हुआ था। 66 क्वेश्चन आया किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो देंगे ध्यान से किसने किया था, 66 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, सबको पता होना चाहिए। चलिए 67 क्वेश्चन पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी, देखो यहाँ पे 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जगह राजीव गांधी। चलिए 66 क्वेश्चन 1966 का ताशकंद समझौता किन
देशों के बीच हुआ था, सबका पता होना चाहिए। 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और पाकिस्तान। चलिए 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्टॉकहोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों का निश्चित अधिकार प्राप्त है, यानी कितने सदस्यों को जो है वीटो प्राप्त है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसका संबंध किससे है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन होगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चिपको आंदोलन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का है कि 1955 का बडोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, 72 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया। चलिए 73 क्वेश्चन करके, भारत में लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं कौन, तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 74 क्वेश्चन करके, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्वाचन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, ध्यान देंगे यहाँ पे महाराष्ट्र जो कि मराठी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बल्कि उत्तराखंड का इसमें कोई भाषा के आधार पर नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें गुजराती चलता है, आंध्र प्रदेश में कौन सा चलता है आप लोग मैं बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ध्यान देंगे यहाँ पे 75 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनवरी 1991। चलिए कहीं कहीं आपको दिसंबर 1990 में मिलते हैं, हाँ 1990 नहीं मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये तो छोड़े जनवरी 1991 ऑप्शन नंबर डी मारिए। चलिए आई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में मतलब किस वर्ष देश में लागू हुआ, ध्यान देंगे 76 का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी 2005। चलिए 77 करके, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1971 ऑप्शन नंबर बी होगा 77 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 79 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बताया ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करके, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का है कि बोडोलैंड जो है क्या कहते हैं बोडोलैंड स्वायत्त शासी जो परिषद वो किस राज्य में स्थित है, तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा असम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का कि परमाणु अपसारण संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। चलिए 83 का कि USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो कब किया गया था, ध्यान देंगे 83 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 सितंबर 2001, ठीक है। चलिए 84 का भारत में अब कितने राज्य है, तो भारत में अब कितने राज्य है, 84 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28, ठीक है। चलिए 85 का किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, ध्यान देंगे 85 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945। चलिए आगे देखिए 86 करके, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान देंगे 86 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर को। चलिए 87 करके, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी, तो 87 का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे देखिए 88 करके, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, ध्यान देंगे 88 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1961। चलिए 89 का कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो वैश्वीकरण जो किस विचारधारा पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा साम्यवाद। चलिए 90 का कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। चलिए 91 का कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों करने का सुझाव दिया गया है, ध्यान देंगे 91 का आपका राइट ऑप्शन नंबर सी जगह त्रिस्तरीय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 92 का कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है, ध्यान देंगे 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना 30 वर्ष। चलिए आगे देखिए कराए कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, तो 1992 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कराए कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का संप्रभुता जो है संपन्न राज्य है क्योंकि, तो यहाँ पे 94 का आपका ऑप्शन उसी जगह, यानी वह किसी विदेशी सत्ता में या के बस में नहीं तथा तो अपनी इच्छा के अनुसार अंतरिक्ष संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 95 कह रहा है कि भारतीय संविधान में देशी रियासतों के कुल कितने जो स्थान दिए गए हैं, तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 93,
96 का संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया, वो दिया हिंदी को, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 चुनाव आयोग से संबंधित जो व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 97 का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। 98 का संघवाद पुरातन जो है वो दूरदृष्टि क्या है, तो देखेंगे 98 का आपका राइट ऑप्शन नंबर डी जाएगा, संघवाद का एकमात्र परिणाम। किसने कहा कि देश के दोष होते हुए नौकरीशाही एक अप्रवृत्त आवश्यकता है, तो 99 का आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, चलिए आप लोग 100 क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और फिलहाल आपको बता दें इसका PDF आप लोग को कैसे लेना है, तो शुरू से अंत तक आपको देखेंगे तो मतलब बताएंगे कैसे आपको PDF लेना है और क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को गूगल पे जाना है, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, एक भी चीज़ मिस्टेक नहीं करना, फिर बोल लेना कि PDF डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, चलिए हम गूगल पे आ चुके हैं और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा, BORD, उसके बाद परीक्षा, आप लोग ध्यान से स्पेलिंग देखेंगे PARIKSHA लिख करके सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे आपको विकिपीडिया वाला वेबसाइट दिखेगा, उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको boardparikshaa.com पे क्लिक करना है, ये चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रचार दिया हुआ है विकिपीडिया का, चलिए यहाँ पे देखिए boardparikshaa.com लिखा हुआ है ना, सिंपली आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर ले रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सही से boardparikshaa.com, और इसमें क्लिक करके आप लोग को एंटर कर लेना है। जैसे आप में इसमें एंटर करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, हम वेट कर लेते हैं नया पेज मतलब ओपन होने का। चलिए फाइनली ओपन हो चुका है, अगर आप लोग को इस तरह कोई एड वगैरह दिखता है तो आप लोग एक बार दो बार क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, एड में उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और फिलहाल आप लोग कर लीजिएगा, माइन करा तो करने का, और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सेंटअप आंसर की जो दिख रहा है ये सिंपली इसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन कर लेना है इसको, और जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, देखिए यहाँ पे नीचे में आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि नोट्स PDF जल्दी तुरंत मिल जाए तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर यहाँ क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। और फिलहाल हमको जाना है सेंटर एग्ज़ाम के आंसर के लिए, तो हमको कौन सब्जेक्ट चाहिए, अभी हम जैसे पॉलिटिकल साइंस का बना रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट के दिया हुआ है, अभी हम लोग को पॉलिटिकल साइंस का करना है ना, या फिर कोई भी सब्जेक्ट करेंगे सारा सब्जेक्ट का अवेलेबल है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस पे हम क्लिक करते हैं, चलिए वेट कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस ओपन करने का, और ये ओपन हो चुका है, नीचे आना है। सिंपली आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ सारा चीज़ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर विद आंसर डाउनलोड, आंसर की पॉलिटिकल साइंस डाउनलोड, सॉल्यूशन इसका वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन में क्लिक करके मॉडल पेपर 2022 के लिए यहाँ पे करना है, टेलीग्राम ज्वाइन PDF के लिए यहाँ पे करना है, ऑल सब्जेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे करना है, सिंपली भी क्या करना है हमको डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड वाले बटन पे। ठीक है, देखो आप आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, देखो डाउनलोड पे क्लिक किए और कुछ वेट हो मतलब लेगा, आपका नेट पे निर्भर करता है, अगर नेट अच्छा है तो फटाफट डाउनलोड करके आपका ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे किसी भी चीज़ से आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे पेज खुल गया ना, तो इसी का यहाँ पे आप अगर चाहते हैं सॉल्यूशन वाला तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ऐप लिखा होगा ना, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पे आपके सामने ये आ गया पूरा आंसर शीट, एक का क्या है दो का क्या है इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इस तरह का आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आना है और बिल्कुल फ्री में आपको PDF और इसका सॉल्यूशन आराम से ले लेना है, और यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि आपको सारे सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल भी मिल जाते हैं, देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट का मॉडल पर स्टेबल नीचे में दिया हुआ, तो इसमें भी कर सकते हैं, बाकी जो भी अगर आपको नीचे में यहाँ पे एड वगैरह दिखता है इस सब में किसी में एक बार क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।